की लड़ाई लड़ रही है, वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है, बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया, और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है, और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती, कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चल के चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे यह तो बहुत गलत बात है माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियाँ भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी, आप किस दुनिया की बात कर रही हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गए, अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, ठीक है बेटा? बहू जरा एक ग्लास पानी तो लाना। अभी नहीं बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है, आओ मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार, सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थाई उपचार, जब माही जग में न होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब बहन होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे, नारी के बिन जग सूना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने मीरा का अभी तक दाखिला नहीं कराया, ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती है। हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हाँ हाँ खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो, जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए, मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे, मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी।
दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा।